नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल AS Education Classes में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है विटामिन। दोस्तों विटामिन्स पर जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए आप पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से जन्म क्षमता छीण हो जाती है, यानी कौन सा विटामिन है जिसकी कमी से बर्थ फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है। तो पहला ऑप्शन है सी, दूसरा है डी, तीसरा है ई, चौथा है के। तो दोस्तों विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता कम हो जाती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू, विटामिन ए का सोर्स कौन सा है, यानी विटामिन ए हमें किससे मिलता है। तो पहला ऑप्शन है अंडा, दूसरा मछली, तीसरा गाजर, चौथा इनमें से कोई नहीं। दोस्तों गाजर से हमें विटामिन ए ज़्यादा मात्रा मिलता है, इसका साइंटिफिक नेम है डेकस करोटा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री, सबसे अधिक लोहा प्राप्त करने का सोर्स है, यानी कि सबसे ज़्यादा आयरन किस में मिलता है। तो हरी सब्जी, दूध, अंडा, सेम। तो दोस्तों हरी सब्जी में सबसे ज़्यादा लोहा प्राप्त होता है, क्योंकि लोहे की कमी से हमारी बॉडी में एनीमिया रोग हो जाता है। वो एनीमिया में क्या होता है, हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर, जख्मों को शीघ्र भरने में सहायक होने वाले विटामिन का क्या नाम है, यानी कि जो हमारी बॉडी में बाउंस हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं, उनको भरने में कौन सा विटामिन काम में आता है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है ए, दूसरा है बी, तीसरा है सी, चौथा है डी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। विटामिन सी घाव को भरने में बहुत सहायक होता है और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव, जीरोप्थैल्मिया की कमी से होने वाली बीमारी, यानी कौन सी विटामिन की कमी से जीरोप्थैल्मिया रोग हो जाता है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन विटामिन ए, दूसरा बी, तीसरा सी, चौथा डी। तो दोस्तों विटामिन ए की कमी से जीरोप्थैल्मिया डिसीज हो जाती है। विटामिन ए की कमी से एक और डिसीज है जिसका नाम नाइट ब्लाइंडनेस, या हम इसको बोलते हैं रतौंधी रोग भी हो जाता है, जिसमें हमें दिन के समय में बहुत अच्छा दिखाई देता है लेकिन जैसे जैसे शाम होती जाती है कम दिखाई देना शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स, निम्नलिखित में से प्रोटीन का प्रमुख सोर्स कौन सा है, यानी प्रोटीन सबसे ज़्यादा हमें किससे मिलती है। तो दोस्तों हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये चारों ऑप्शन प्रोटीन के प्रमुख सोर्स है, लेकिन चारों में से अगर हमें छांटना हो तो सोयाबीन सबसे अच्छा सोर्स प्रोटीन का माना जाता है। इसमें 36% प्रोटीन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है। दोस्तों विटामिन दो प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन जो कि बी और सी है, और वसा में घुलनशील विटामिन जो कि ए, डी, ई और के। तो इसमें पूछा है जो वसा में घुलनशील नहीं है, यानी वसा में कौन सा विटामिन घुलता नहीं है। तो विटामिन सी वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। विटामिन सी किस में घुलनशील होता है, जल में घुलनशील होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, यानी केमिकल नेम विटामिन सी का क्या है। तो पहला ऑप्शन है साइट्रिकम, दूसरा ऑक्जेलिकम, तीसरा एस्कॉर्बिकम, चौथा है ब्यूटेरिक अम्ल। दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन, बच्चों में हड्डियों का विकास किस विटामिन द्वारा मुख्यतः प्रभावित होता है। दोस्तों विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग होता है, और जो एडल्ट्स होते हैं उनमें ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है। तो बच्चों में हड्डियों का विकास विटामिन डी की कमी से प्रभावित होता है, और विटामिन डी हमें सूर्य की किरणों से मिलती है, यानी जब सूर्य निकलता है हल्की गुनगुनी धूप होती है उसको लेने से विटामिन डी हमारी बॉडी में क्रिएट होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टेन, प्रांतकालीन धूप में मानव शरीर में निम्नलिखित से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है। दोस्तों ऊपर के क्वेश्चन में मैं आपको बता चुका हूँ, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, यानी जो विटामिन जल में घुलता है वो कौन सा है। दोस्तों दो विटामिन जल में घुलते हैं, बी और सी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, विटामिन बी जल में घुलनशील विटामिन होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त स्राव को कम करता है, यानी ब्लीडिंग को कम करता है। तो दोस्तों कौन सा विटामिन है जिसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो ये है विटामिन के। विटामिन के की अगर कमी होती है तो इसमें हमारी बॉडी में जब चोट लग जाती है तो उसमें रक्त का थक्का बहुत देर से जमता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विटामिन की खोज किसने की थी, विटामिन की खोज किसने की थी। दोस्तों विटामिन की खोज सी फंक नाम के वैज्ञानिक ने की थी, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14, निम्नलिखित में से किसके अधिक सेवन करने से शरीर में विटामिन बी की कमी हो जाती है, यानी किसका अधिक सेवन करने से विटामिन बी की कमी हो जाती है। दोस्तों ऑप्शन है चाय, कॉफ़ी, कोक, एल्कोहल। दोस्तों जो लोग एल्कोहल का ज़्यादा
यूज करते हैं, एल्कोहल को ज़्यादा लेते हैं, ड्रिंकिंग ज़्यादा करते हैं, उनमें विटामिन बी की कमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन डी। तो दोस्तों ऑस्टियोमलेशिया रोग विटामिन डी की कमी से होता है, जैसा मैं ऊपर आपको क्वेश्चन में बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, 100 ग्राम अंडे में कितना प्रोटीन होता है? दोस्तों पहला 10 ग्राम, 11 ग्राम, 12 ग्राम, 15 ग्राम। दोस्तों 100 ग्राम अंडे में 10 ग्राम प्रोटीन होता है, यानी कि 10%, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, मानव शरीर की जीवन रेखा है, यानी मानव शरीर किस पर डिपेंड ज़्यादा करता है? पहला ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, वसा। दोस्तों कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर की जीवन रेखा है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से हमें ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा मिलती है। लेकिन अगर हम तुलना करें कार्बोहाइड्रेट और वसा की, तो वसा से हमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। वसा से हमें 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से हमें 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। लेकिन प्रोटीन और विटामिन से हमें कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा किया जाता है, यानी दूध जो स्वर हो जाता है वो किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों दूध का जो खट्टा होना वो बैक्टीरिया के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, और वो बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस ध्यान रखना दोस्तों, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण दूध खट्टा होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, नींबू और नारंगी में कौन सा विटामिन पाया जाता है? दोस्तों नींबू और नारंगी दोनों खट्टे फल हैं, और खट्टे फलों को हम सिट्रस फ्रूट भी बोलते हैं, सिट्रस फ्रूट, और इनमें विटामिन सी पाया जाता है अधिकता से, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, मानव शरीर में विटामिन संचित रहता है, यानी मानव शरीर में जो विटामिन है वो स्टोर कहाँ रहता है? तो पहला है लिवर, आमाशय, तिल्ली, उदर। तो दोस्तों लिवर में विटामिन स्टोर रहता है, यानी लिवर को हम हिंदी में यकृत बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, पालक के पत्तों में निम्न में से किसकी मात्रा अधिक होती है? पालक स्पाइनच में किसकी मात्रा अधिक? दोस्तों स्पाइनच में आयरन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है, आयरन एक मेटल है, इसकी कमी से हमारी बॉडी में एनीमिया रोग हो जाता है, एनीमिया में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। नॉर्मली मनुष्य के शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा 14 से 16 मिलीग्राम होनी चाहिए, 14 से 16, लेकिन औरतों में जो लेडीज होती है उनमें 12 से 14 तक होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहता है, यानी कार्बोहाइड्रेट है वो हमारी बॉडी में किस रूप में संचित रहता है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन ग्लूकोज, दूसरा ग्लाइकोजन, तीसरा सुक्रोज, चौथा स्टार्च। तो दोस्तों हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो वो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदल जाता है और लिवर में स्टोर रहता है, और जब इसकी ज़रूरत होती है तो यही ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदल जाता है और हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता रहता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विटामिन्स क्या होते हैं? दोस्तों मैंने विटामिन्स के ऊपर एक पूरा वीडियो अपलोड किया है, आप उसको देख सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे विटामिन्स क्या होते हैं। तो पहला है विटामिन कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, जीवित जीव, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों विटामिन्स कार्बनिक यौगिक होते हैं, कार्बनिक यौगिक, जिनकी हमारे शरीर को बहुत ही अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। इन विटामिन्स हमारी बॉडी में नहीं बनती, इसलिए हमें इन्हें बाहर से लेना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई? पहला है कैल्सिपेरोल, ये विटामिन डी का होता है, रेटिनॉल विटामिन ए का होता है, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का होता है, टोकोफेरल ये विटामिन डी का केमिकल नेम होता है, सॉरी विटामिन ई का केमिकल नेम होता है टोकोफेरॉल। इसे जनन क्षमता में कमी हो जाती है इस विटामिन की कमी से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, सोयाबीन में कितने प्रतिशत प्रोटीन होती है? दोस्तों हम जानते हैं सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन होती है, वो होती है 36%, तो इसका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, एक व्यक्ति को प्रतिदिन औसतन कितना दूध पीना चाहिए, एक व्यक्ति को औसतन कितना दूध पीना चाहिए? तो पहला ऑप्शन 250 ग्राम, 260 ग्राम, 270 ग्राम, 280 ग्राम। दोस्तों प्रत्येक व्यक्ति को औसतन 280 ग्राम दूध पीना चाहिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 27, पेलेग्रा नामक रोग में त्वचा सूख जाती है, यह रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो दोस्तों पेलेग्रा नाम रोग है वो विटामिन B5 की कमी से होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 28, कोबाल्ट किस विटामिन में उपस्थित रहता है? दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर अच्छे अच्छे कॉम्पिटिशनों में ये पूछा गया है। तो कोबाल्ट विटामिन B12 में उपस्थित रहता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, इडली जो कि एक दक्षिणी भारत का व्यंजन है, इसमें किस विटामिन की अधिकता पाई जाती है? इडली एक साउथ
इंडियन डिश है उसमें किस विटामिन की अधिकता पाई जाती है दोस्तों, विटामिन डी बी ई सी। दोस्तों इसमें विटामिन सी की अधिकता पाई जाती है इडली में। अगला है 30, भूखे व्यक्ति द्वारा शरीर में से सबसे पहले किसका उपयोग किया जाता है, ग्लूकोज प्रोटीन ग्लाइकोजन उपयुक्त सभी। दोस्तों इससे पहले मैं ये क्वेश्चन में डिस्कशन कर चुका हूँ कि हमारी बॉडी में जब ग्लूकोज ज़्यादा हो जाता है तो हमारी बॉडी उसको ग्लाइकोजन के रूप में लिवर में स्टोर कर लेती है और जब ज़रूरत होती है तो वही ग्लाइकोजन ग्लूकोज में परिवर्तित होकर एनर्जी प्रोवाइड कराता रहता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, गोल्डन चावल एक प्रकार का जीन रूपांतरित चावल है जो कि पीले रंग का होता है, इस चावल में किस पदार्थ की अधिकता पाई जाती है, गोल्डन चावल। दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा गया है तो पहला ऑप्शन इसका विटामिन ए बी। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा क्योंकि इसमें इस गोल्डन चावल में विटामिन ए की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे से जमने की बीमारी होती है। दोस्तों विटामिन के की कमी से हमारी बॉडी में जब घाव हो जाते हैं, जब चोट लग जाती है तो खून का थक्का देरी से जमता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, विटामिन के। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, यदि एक व्यक्ति केवल दूध और रोटी का आहार करता है तो उसको रोग हो सकता है, कोई व्यक्ति है वो केवल दूध और रोटी का तो उसे कौन सी डिसीज हो सकती है, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होती है, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होती है, सी यानी रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है, मरेस्मस ये प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। तो दोस्तों स्कर्वी उसको रोग हो सकता है यानी जो विटामिन सी की कमी से होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, किस विटामिन को प्राय हार्मोन कहा जाता है। दोस्तों हम डिस्कशन कर चुके हैं विटामिन डी को प्राय हार्मोन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 35, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है यानी प्रोटीन का डाइजेशन हमारी बॉडी में कहाँ होता है, तो पहला ऑप्शन है मुख, आमाशय, बड़ियाँ, छोटियाँ। दोस्तों आमाशय यानी स्टोमक में प्रोटीन का पाचन होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है यानी मछलियों के यकृत तेल है उसमें किस विटामिन ज़्यादा पाया जाता है, पहला विटामिन ए सी बी ई। दोस्तों उसमें विटामिन ए सबसे ज़्यादा पाया जाता है मछलियों के तेल में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है, विटामिन ए बी सी डी। दोस्तों हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनने वाला विटामिन विटामिन बी होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है यानी एंटी इन्फेक्शन विटामिन किसे कहा जाता है। दोस्तों एंटी इन्फेक्शन विटामिन विटामिन ए को कहा जाता है, तो विटामिन ए संक्रमण को रोकने में हमारा मदद करता करने वाला विटामिन होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है, जब हम सब्जियों को छील लेते हैं फिर उन्हें धो देते हैं तो कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है यानी निकल जाता है, तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, विटामिन सी सब्जियों को धोने या छीलने से निकल जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उस विटामिन का क्या नाम है जो किसी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। दोस्तों विटामिन सी किसी भी मांसाहारी भोजन में आपको नहीं मिलेगा, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, दांतों से खून का गिरना किस विटामिन की कमी के कारण होता है। दोस्तों मैं बता चुका हूँ, डिस्कशन कर चुके हैं हम कि विटामिन सी है उसकी कमी से स्कर्वी डिसीज हो जाती है और स्कर्वी डिसीज में क्या होता है, हमारे जो मसूड़े हैं उनमें से ब्लड ब्लीडिंग होने लगती है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, विटामिन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का सोर्स नहीं है यानी इस कौन सा विटामिन है जिसमें से विटामिन ए नहीं मिलता है, तो आम, पपीता, गाजर, दूध। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, दूध से हमें विटामिन ए नहीं मिलता है, आम पपीता गाजर से हमें विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है लेकिन दूध से हमें विटामिन ए नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, हमारी बॉडी में किसका निर्माण नहीं होता है, विटामिन ए, प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन। दोस्तों हमारे शरीर में विटामिन का निर्माण नहीं होता है, विटामिन हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, विटामिन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन के। दोस्तों विटामिन सी को जब हम गर्म करते हैं तो वो विटामिन सी नष्ट हो जाता है, इसलिए हमें पदार्थों को ज़्यादा, खट्टे फलों को ज़्यादा ही गर्म नहीं करना चाहिए, तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं रहता है, हमारी बॉडी में कौन सा विटामिन है वो भंडारित नहीं रहता है। दोस्तों विटामिन ए बी सी डी, दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि विटामिन सी हमारी बॉडी में स्टोर नहीं रहता है, जब हम यूरिन के माध्यम से ये बाहर निकल जाता है, यानी पेशाब के माध्यम से ये बाहर निकल जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, होठों के किनारे किस विटामिन की कमी के कारण फट जाते हैं, होठों के किनारे। दोस्तों पहला ऑप्शन बी है, पहला ऑप्शन है विटामिन बी, दूसरा है विटामिन बी टू, तीसरा है विटामिन बी थ्री, चौथा विटामिन बी ट्वेल्व। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विटामिन बी टू की कमी से होठों के किनारे फट जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, सौंदर्य विटामिन किसे कहा जाता है, सौंदर्य विटामिन। दोस्तों विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई। दोस्तों विटामिन ई को हम सौंदर्य विटामिन कहते हैं, विटामिन ई को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, विटामिन सी की खोज किसने की थी, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, इसकी खोज किसने की थी। पहला ऑप्शन है रॉबर्ट किंग्स, दूसरा एडवर्ड जेनर, तीसरा वेटिंग, चौथा हॉपकट। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, हॉपकट ने विटामिन सी की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, विटामिन ए और बी की खोज किसने की थी, विटामिन ए और बी की खोज किसने की थी। तो पहला ऑप्शन है मैकुलन, दूसरा रॉबर्ट हुक, तीसरा न्यूटन, चौथा ग्रैनविल। दोस्तों विटामिन ए और बी की खोज की थी मैकुलन नाम के वैज्ञानिक ने। अगला सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता। तो पहला ऑप्शन है विटामिन डी, दूसरा विटामिन के, तीसरा विटामिन ए, चौथा विटामिन सी। दोस्तों विटामिन डी दूध में नहीं पाया जाता, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि विटामिन डी हमें सूर्य की किरणों से मिलता है, जब सुबह की जो धूप होती है उसमें बैठने से हमारी बॉडी एर्गोस्ट्रॉल नाम का हार्मोन क्रिएट करती है, जिससे विटामिन डी हमें प्राप्त होता है। और लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को कौन सा विटामिन नष्ट करता है, हमारी बॉडी में जो हार्मफुल केमिकल्स बनते हैं उनको कौन सा विटामिन नष्ट करता है। तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, विटामिन ई हमारी बॉडी में हानिकारक रसायन बनते हैं उनको नष्ट करता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के विटामिन्स पर आधारित बहुत ही महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन। दोस्तों इस वीडियो को आप अपने दोस्तों फ्रेंड्स में जरूर शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।